हेलो फ्रेंड, डाटा सानू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। पहली तो बात है क्वालिटी, तो मैं आपको सारी बात आपको बताऊंगा। क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, क्वालिटी के लिए आप कौन कौन सा माइक, कौन कौन सा कैमरा यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया। पहली बात तो है ऑडियो क्वालिटी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक छोटा सा माइक खरीद लीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन का जो इंटरनल माइक होता है वो इतना भी अच्छा नहीं होगा कि आपको अच्छा ऑडियो क्वालिटी दे सके। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये जेनेरिक का माइक। मैं पहले ये माइक को एक महीने के आसपास यूज़ किया हूँ, तो मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, इतना भी ख़राब माइक नहीं था। तो ये जेनेरिक का माइक आप खरीद सकते हैं, ये तकरीबन आपको अमेजन पे 180 रुपये के आसपास मिलेगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो यहाँ से आप खरीदेंगे तो मेरे चैनल का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर आप उससे थोड़ा बेटर प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आइबल का एक रॉकी हेडसेट आता है, जो तकरीबन आपको 500 रुपये के आसपास आता है, लेकिन इसमें आपको एक एक्सटर्नल माइक मिलता है, तो वो माइक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो 500 रुपये के आसपास अगर आप स्पेंड कर सकते हैं अपना ऑडियो क्वालिटी के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आइबल का ये माइक खरीद लीजिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा और स्पेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ बोया का लेपल माइक, ये माइक आप खरीद लीजिए। तो आपको ये क्वालिटी कैसा लग रहा है तो आप भी जान सकते हैं। इसका क्वालिटी मैं काफ़ी हद तक मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप 1800 से 2000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं तो ये बोया का माइक खरीद सकते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 माइक, जेनेरिक का माइक, आइबल का एक रॉकी हेडसेट और बोया का माइक। 3 माइक मैं मानता हूँ आपके प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट होने वाले। दूसरी बात है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना स्मार्टफोन भी यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो क्वालिटी के लिए पहले ही आप एक निकॉन का D5300 या कौन सा भी DSLR खरीद लेते हैं तो उसके बदले आप डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। पहले तो बात करूँ तो अगर आप एक DSLR पहले के दिन में आप ले लेंगे तो थोड़ा बहुत आप डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये आपने स्पेंड कर लिया लेकिन आपको व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आपको मोबाइल में रिकॉर्डिंग करें अपना। ऑडियो क्वालिटी तो मैंने आपको बताया, जो जो माइक यूज़ कर सकते हैं पहले मोबाइल भी यूज करें। अगर आप मोबाइल यूज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 36,000 के अंदर नाइकॉन का एक कैमरा आता है D5300, वो कैमरा आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाला कैमरा की दे दूंगा, कि वो वाला कैमरा में 39 ऑटोफोकस पॉइंट है, जो आपको वीडियो क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव होने वाला है। और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और थोड़ा बहुत आप स्पेंड कर सकते हैं, जो निकॉन का एक मॉडल आता है, कैनन का एक D200 करके एक मॉडल आता है, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट भी मिल जाता है और डुअल पिक्सल ऑटोफोकस सिस्टम भी जो कैनन का D200 में आपको मिल जाता है। तो ये वो वाला कैमरा भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा अगर आप न्यू यूट्यूबर चैनल शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप मोबाइल पर नहीं शूटिंग करें, क्योंकि मोबाइल का क्वालिटी इतना भी बुरा नहीं होता, थोड़ा आउटडोर कंडीशन में शूटिंग करें। तो पहले तो ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ, फिर मैंने आपको बता दिया, लेकिन वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो पहले आप मोबाइल भी यूज कीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप अर्निंग आता है यूट्यूब की तरफ से, थोड़ा बहुत आपको पैसा आता है, तभी DSLR पर स्पेंड कीजिए। तीसरी बात आते हैं अपना मोबाइल को स्टैंड कहाँ पर करें और DSLR को स्टैंड कहाँ पर करें। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी जो मैं ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ वो एक फोट्रॉन का ट्राइपॉड है, तकरीबन मुझे 1000 के आसपास पड़ा था, मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो क्वालिटी मुझे अभी ट्राइपॉड का जो क्वालिटी है इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप मोबाइल में शूटिंग कर रहे हैं, वो वाला ट्राइपॉड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। ये फोट्रॉन का ट्राइपॉड मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप थोड़ा पैसा और स्पेंड करना चाहते हैं, बेनरो का एक ट्राइपॉड आता है और सोनिया का एक ट्राइपॉड आता है, तीन ट्राइपॉड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप DSLR में शूटिंग कर रहे हैं तो बेनरो का ट्राइपॉड खरीद लीजिए, अगर आप मोबाइल में शूटिंग कर रहे हैं तो फोट्रॉन का ट्राइपॉड खरीद लीजिए, क्योंकि ट्राइपॉड में आपको क्या होता है, मोबाइल को स्टैंड करने के लिए स्टैंड नहीं मिलता। तो आपको आप क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टैंड आता है मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो वाला मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपके लिए मोबाइल को स्टैंड करना और DSLR को स्टैंड करना प्रॉब्लम भी सॉल्व। बात है अपना सेटअप का इम्प्रूव कैसे करें, अपना बैकग्राउंड का सेटअप इम्प्रूव कैसे करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बाहर में शूटिंग करें तो थोड़ा बहुत आपको आउटडोर कंडीशन में आपको मोबाइल में कैमरा में आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर घर में शूटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ग्रीन स्क्रीन खरीद लीजिए। ग्रीन स्क्रीन का फायदा ये है कि आप अगर KineMaster और पावर डायरेक्टर यूज करते हैं तो आपका ग्रीन स्क्रीन यूज करके आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। ग्रीन स्क्रीन खरीद लीजिए, तकरीबन आपको 400 से 500 रुपये के आसपास अमेजोन पर मिल जाता है ग्रीन स्क्रीन, तो एक एक चुटकी में आप बैकग्राउंड पूरा चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ग्रीन स्क्रीन जरूर खरीद लीजिए अगर आप बैकग्राउंड का सेटअप अच्छा करना चाहते हैं।
मैंने आपको बताया ये चार चीज़ें जो आपको यूट्यूबर करियर को शुरू करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। पहला है ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, अपना सेटअप कैसे तैयार करें और अपना ट्राइपॉड कौन सा खरीदें। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खरीदेंगे तो मेरे चैनल का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं, आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करता हूं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देता हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं आगे से कुछ अच्छा कर सकता हूं आपको लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक शेयर और एक लाइक और एक शेयर से मुझे आगे जाने की मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपका दिन शुभ जाए।